गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और दोस्तों आज वो फाइनली दिन आ गया है कि जहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँगा, एक बहुत ही हिडन ट्रैक है और बहुत ही फेमस ट्रैक है वैसे तो वो, क्योंकि हिडन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाहर के लोगों को नहीं पता, और फेमस इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे गादी कम्युनिटी के लोग हैं और तो वो लोग काफ़ी नोन है उस जगह का और इसलिए फेमस है वो। तो अभी हूँ मैं भीड़ से लगभग कोई 7 किलोमीटर की दूरी पर, और जिस जगह पे हूँ मैं, ये गाँव है संसार। तो संसार से मैं जाऊंगा ब्राह्मणी, ब्राह्मणी या फिर ब्राह्मणी माता ट्रैक, तो उस जगह पे। तो ये है लोकेशन और आज मैं ट्रैक कर रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट। तो संसार से ही मतलब स्टार्ट होगा बेसिकली, थोड़ी सी ऊपर है जो मेन चौक है, वहाँ पे स्कूटी वगैरह जो भी मैं साथ में लेके आया हूँ वहाँ पे पार्क करके फिर आगे निकलूंगा, अपनी जर्नी कंटिन्यू करूँगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पैराग्लाइडिंग के लिए एक साइट है जहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग भी दोनों, मतलब एक हाइट पे, तो लगभग वो 2500 मीटर अल्टीट्यूड की हाइट पे टेक ऑफ और लैंडिंग साइट है, दोनों हैं, तो वो चीज़ देखने लायक है। तो प्लीज़ पूरी मेरी वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें और लास्ट तक देखें कि किस तरह का ये ट्रैक है और क्या क्या बीच में रास्ते में हमें लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये पीक जो है, ये हाँ एग्जैक्ट ये है ब्राह्मणी, यानी ब्राह्मणी माता का मंदिर है इस जगह पे, और साथ में देखते हैं कि क्या क्या है नज़ारे। और इसी जगह पे टेक ऑफ साइट भी है और लैंडिंग साइट भी है, इतनी हाइट में काफ़ी हिडन एरिया है वो आज हम थोड़ा रिवील करेंगे आपके साथ। और ये जगह है थोड़ा सा पंजाला से ऊपर हूँ और मैं सील के बीच में हूँ जगह पे। सो इस जगह से कर रहा हूँ मैं ट्रैक स्टार्ट अपना, ये दोस्तों ब्राह्मणी जाने से पहले मैं करवा रहा हूँ थोड़ा अपना एक त्राट है उसको तेज़, क्योंकि आगे यह है जंगल और बीच में मिल सकता है हमें भालू, तो अपने बचाव के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, और वही चीज़ हम कर रहे हैं। थोड़ा सा इनसे त्राट जो अभी तेज़ करवाएंगे अंकल से। तो ये कर रहे हैं अभी थोड़ा दराट को गर्म, और उसके बाद काफी तेज धार बना देंगे। कितने साल हुए? तो ये कर रहे हैं अभी इसको तेज धार, बोले तेज धार। सो दोस्तों मेरा ट्रैक जो है स्टार्ट हो गया और मेरा द्राट भी तेज हो गया है तेज धार, और जंगल के बीचों बीच चल रहे हैं हम। अभी तक जो ब्राह्मणी से पहले गांव है वहां तक तो रास्ता पक्का हो गया है आजकल, लेकिन मैं आज से 5 साल पहले आया था मैं और मेरे फ्रेंड, तो हम आए थे थोड़ा शाम के टाइम पे, तो वापस उतरते बार हमें काफ़ी देर हो गई थी ये। सो दोस्तों अभी पहुंचने वाला हूँ मैं कंडी गांव में, यहाँ पे भी कंडी गांव है, और लगभग इस जगह से 1-1.5 घंटा लगेगा मुझे अभी, और अगर मैं कंटिन्यू चलता रहा तो, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। सो ये है कंडी गांव, काफ़ी खूबसूरत है ये भी यार। सो ऑलमोस्ट मैंने अभी तक 40% जो है ट्रैक कंप्लीट कर लिया है, जो बीच में गांव है वहाँ पे हूँ अभी, और थोड़ी सी ऊपर जाना है अभी मुझे, और
10 मिनट के ब्रेक के बाद मैं यहाँ से फिर अगेन चल पड़ा हूँ भाई। ये मंजिल अभी दूर है, उस चोटी पे पहुँचना है मुझे, अभी दूर है भाई। दोस्तों अभी अभी तक फिलहाल पूरे रास्ते में मुझे कोई भी नहीं मिला है, कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। एक गांव की 2 लड़कियां मिली थी स्टार्टिंग के पॉइंट में, उनका घर था कांडी में, कंडी ये वॉट एवर नीचे है जो जो गांव था वहाँ पे। अभी फिलहाल मंजिल तो काफ़ी दूर है, आज मेरे को कुछ ज़्यादा दूर लग रहा है, शायद मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ज़्यादा दूर लग रहा है, नहीं तो विद इन 1 आवर पहुँच गया था और अभी तक मेरे को 1 घंटे से ऊपर हो गया है, अभी पहुँचा नहीं हूँ। लगभग रास्ता अभी 50% ही कम्प्लीट हुआ है। यहाँ पे मिले हैं हमें बजरंग बली जी, आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये पत्थर कितने बड़े बड़े हैं जो पूरे रास्ते में, इन्हें हम चनाट बोलते हैं या फिर गोर, तो ये होती थी बुज़ुर्गों की पावर, पत्थर काट काट के उन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थर पूरे रास्ते में इसलिए बिछाए हैं क्योंकि ये होता था कि कभी ये बरसात के टाइम पे बह ना जाए या मतलब रास्ता कोई बंदा भूल ना जाए। एक रास्ते मिले हैं आंटी और अभी और इनसे बातचीत है। दोस्तों थोड़ी ही देर में 15 से 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं जो प्राणी सॉरी प्राणी गांव है, ब्राण बोलते हैं वैसे उसको, और ये है गंगोर जंगल। और शुक्र है पूरे रास्ते में मुझे कंटी मिले, अम्मा देवो काफ़ी बुढ़े हैं और वो आराम आराम से चल रहे हैं, बोले मैं मॉर्निंग से चली हुई हैं और गांव में लगभग कोई 3 से 4 घर बचे हुए हैं, तो अब दिखाते हैं आपको, बने रहे हमारे साथ। सुबह पहुंचे हूँ मैं ब्राणी विलेज, ब्राणी 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 किसी की गौशाला लग रही है, जगह पे भी आंगनबाड़ी है, कन्या पड़ी परिवार पड़ा, वाह। और ये खट्टी मीठी इसे खाने का अलग ही मजा है, मौसम हो गया खराब और ये लगता है सभी की गौशालाएं हैं, काफी मौसम खराब हो गया भाई, ऊपर जैसे चढ़े चढ़ाई में मौसम खराब। ये आ गया ब्राणी गांव, रोए थाती गांव, तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे जो ब्राणी गांव है उस जगह पे, और कुछ घर है यहाँ पे सही में बहुत औसम, बहुत ही खास लोकेशन पे है ये घर और गांव। दोस्तों ये हैं प्राणी के पुराने घर और इस जगह पे कोई है तो पता नहीं, देखते हैं।
तो ये है किसी जेठू राम जी रुद्रण देवी का घर, और किसी के घर से इतना ये बेहतरीन नज़ारा था थी का। और भी घर है एक, और भी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको इस जगह पे, फिलहाल मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूँ बराणी में, और इस गांव में एक भी बंदा मेरे को अभी तक दिखाई नहीं दिया है बाहर, क्योंकि मैंने आवाज़ वगैरह भी डाली है, लेकिन देखते हैं कहाँ पर हैं घर वाले सभी। तो इससे बनाए जाते थे पट्टू वगैरह, ये है वो चीज़। और देखते हैं किस तरह का है वो, खाटू बोलते हैं इसे, खाटू। तो ये जगह है जानवरों के लिए नीचे इस जगह पे, और ऊपर घर नाइस, तो कोई है नहीं। तो चलते हैं फिर हम मंदिर की तरफ, वो जो जगह है वहां से टेक ऑफ साइट है वो, लेकिन इस जगह को डेवलप जानबूझ के नहीं किया जा रहा है, क्योंकि भीड़ की और बिलिंग की अहमियत ख़त्म हो जाएगी अगर इस जगह को गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिया तो। पर लकड़ी के घर हैं काफ़ी, और ठीक है लोगों ने लगाई है यहाँ पे लहसुन मूली। सो दोस्तों ये है पूरे ओल्ड हिमाचल वाली फीलिंग, यहाँ पे आज भी सेम वैसे ही लोगों का रहन सहन है। सो दोस्तों यही घर है मेरे फ्रेंड का इस जगह पे, और ये भाई पानी की तो कोई कमी है नहीं, और बिजली भी है इस जगह पे, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जगह बहुत ख़ास है। तो यहाँ से हम मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे, और इस जगह पे कोई भी नहीं है फिलहाल। अभी ये पता नहीं मंदिर के लिए रास्ता कहाँ से है, भूल गया हूँ। अभी 4 साल पहले आया था, तब तो थे हम दो बंदे, गागू। ये जगह बहुत ही ज्यादा काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, ये देखो इतनी हाइट में ऊपर आके प्लेन एरिया, और बोला यूं जा रहा है वो जो फाट है वन ऑफ द बेस्ट टेक ऑफ साइट है वो, लेकिन इस जगह को जान। तो दोस्तों फाइनली मैं जो मंदिर है उसके प्रांगण में एंट्री करने वाला हूँ। ये भाई गेट जय माता दी, और मौसम काफी खराब हो गया है जैसा कि आप देख सकते हो। मेरे को लगता है हटती बार कहीं मुझे बारिश ना मिले। रास्ते में मुझे एक सिर्फ एक आंटी मिले थे, और गांव में एक और आंटी मिले बस, बाकी पूरा गांव खाली कोई नहीं था वहां पे, बिल्कुल। और जो सीन था भाई इस गांव का पूरा, वो था प्रॉपर
हॉरिबल मूवी की तरह, एकदम गांव में सन्नाटा और जानवर बाहर और कुछ नहीं, और ऐसे ऐसे रास्ते से हम अकेले। मुझे इस रास्ते की एक अच्छी बात ये लगी कि बीच में कहीं पक्का भी हो रखा है ये, और ओ यार ये जो पूरा माहौल है ना इस जगह का, सन्नाटे से भरा हुआ, बड़ा खतरनाक है। जय माता दी। ये शायद सराय वगैरह बनाई है इस जगह के लिए। सो दोस्तों, मंदिर का मेन जो गेट है वो आ गया है। फाइनली भाई। 4 साल बाद आया हूँ मैं। जय माता दी। और एक चीज मुझे सबसे अच्छी लगी, इस जगह पे पानी बिजली दोनों चीजें हैं, बस एक रोड नहीं है इस जगह पे। ये छोटा सा टैंक है पानी का, माइट भी छोटा सा चैम्बर, और जय माता दी। जय हो माता रानी, तेरे सदा ही है। जय माता दी। फाइनली मैं मंदिर में पहुंची हूँ। ये राब रानी माता का मंदिर, का मंदिर देसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मंदिर। जाओ ओ भाई साहब, काफी हाइट पे था, लगभग 5 to 6 किलोमीटर का ट्रैक है मोस्ट प्रोबेबली ये, लेकिन काफी बड़ा है। चढ़ाई जो एकदम सीधी खड़ी है, और मौसम तो देख ही सकते हो आपकी किस तरह का हो गया है। जय माता दी। माता रानी ने फिर बुला लिया और हम आ गए। ये रहा माता रानी का मंदिर, रानी माता जी की जय। और ये भी फिलहाल लगा हुआ इसमें ताला, लेकिन दर्शन कर लिए हमने बाहर से, कोई चक्कर नहीं है। और ये नजारे भाई मंदिर के, जय हो माता रानी तेरी सदा ही जय। किसने भाई। सो दोस्तों, आखिरकार मैं पहुंच गया हूं मंदिर, और मंदिर में मैंने कर लिए माता जी के दर्शन। तो आज मैं आपको एक ऊपर लेके जा रहा था, एक जगह है यहाँ से थोड़ी सी ऊपर, लेकिन मौसम हो गया है काफ़ी ज़्यादा ख़राब। कभी भी किसी टाइम पे भी स्नोफॉल और रेनफॉल, रेन कभी भी हो सकती है इस जगह में। तो यहाँ से दर्शन करके मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि फ़ायदा नहीं आगे जाके। अभी टाइम भी वैसे 3 बजने को हैं, और ऊपर मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है। जहाँ से वन ऑफ द बेस्ट टेक ऑफ साइट है और लैंडिंग साइट दोनों है, मतलब इतनी हाइट में सबसे बड़ी चीज़ वो है इस जगह पे देखने के लिए। लेकिन फिलहाल जो गवर्नमेंट की फेल्ड पॉलिसीज़ हैं, अभी तक इस जगह पे रोड नहीं पहुंचा है। सारा गांव है वो ब्राणी का, वो माइग्रेट हो गया है नीचे संसाल मरेड की तरफ, और एक गाँव और है जो है थाथी। तो 3-4 थाथी हैं, मतलब संसाल के मरेड के नियर बाई, वो तो वो भी, उनको भी थोड़ी रोड की दिक्कत है अभी तक। तो गवर्नमेंट से एक ही गुजारिश है यार, इन लोगों के लिए भी रोड निकालो। माइट बी वन ऑफ द बेस्ट, बीड से ज़्यादा और बिलिंग से ज़्यादा अच्छी जगहें इस जगह पे हैं, मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ट्रैक हैं, और नियर बाई यहाँ पे जो है तत्बानी ट्रैक है हॉट स्प्रिंग्स का, वो इसी जगह से, एक जगह है डायना, वहाँ पे निकलता है डायना से ऊपर जाके, और आप जा सकते हो इस जगह से। तो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन ऑफ संसाल मरहेड अभी तक का जो है वो है ये डायना और माता ब्राणी माता जी का मंदिर। मुझे लगे हैं लगभग 2.5 घंटे, मैं वीडियो बनाता बनाता आया। मोस्टली लोग यहाँ पे 1 घंटे में पहुँच जाते हैं, लेकिन मैं रुक रुक के आया, थोड़ा वीडियोस बनाता आया, तो उस वजह से मुझे टाइम लग गया। और यह मंदिर का प्रांगण जंगल के बीचों बीच भाई,
और ये नज़ारे। ये शादी के बाद चढ़ाए जाते हैं चूड़े वगैरह इस जगह पे, मन्नत मांगी होती है शायद कुछ इस तरह का होता है, और तभी है ये। काफ़ी अच्छा बनाया है यार ये, एक काफ़ी अच्छा स्पॉट हो सकता है इस जगह पे के लिए। और अगर हम देखें टूरिज्म की नज़र से तो ये जगह सच में बड़ी ज़्यादा ख़ास है यार। तो यहाँ पे भी हैं शायद ये बाबा जी वगैरह हैं। और ये नाइस, एक चीज़ तो मैंने बड़ी सही देखी, यहाँ पे इतनी अभी भी क्या बोलते हैं लोगों में, क्या बोलते हैं उसे, ईमानदारी है कि यहाँ पे चांदी के छत्र वगैरह चढ़ाए गए हैं इस जगह पे, और कोई यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है पहाड़ों में असली बात भाई। तो इस जगह पे जय माता दी, सही में माथा टेक लेते हैं हम भी, जाओ। ये देख सकते हो आप, लेकिन गांव वालों ये रक्षा करते हैं, जैसे कि कमरू नाग वगैरह में है सेम एज इट इज एज, वैसा ही इस जगह पे भी कि हर चीज खुली पड़ी है, इसकी रखवाली खुद भगवान करते हैं भाई। तो डोंट थिंक कि यहाँ पे आप और कुछ ऐसे हरकतें करे हो। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताना ये जगह आपको कैसी लगी, और कमेंट लाइक शेयर जरूर करना, समझ रहे हो। सो वो नीचे पहुंचना है मुझको आपको काफी दूर, और वो रहा थाथी गांव, तीन चार थातियाँ हैं यार यहाँ पे, और उससे ऊपर जाना था मुझे, लेकिन मौसम देख ही सकते हो कि किस तरह का हो गया भाई, 3 बजे ही अंधेरा होने को है, और अभी तो 3 भी नहीं बजे, तो मौसम का कुछ खतरनाक ही है सिनारियो। सो दोस्तों चलते हैं अब घर की तरफ, भूख काफ़ी लग पड़ी है मुझे और ठंड भी हो गई है, क्योंकि मौसम भी हो गया बिहंगम और भयानक, किसी भी टाइम पर बारिश हो सकती है इस जगह पर, तो मुझे निकलना पड़ेगा। अभी टाइम फिलहाल हो रहा है 3:05, तो निकल लेते हैं घर के लिए। ओए 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 ओए। सो दोस्तों मेरी जो जर्नी है जो ट्रैक है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और मैं अभी जा रहा हूँ वापस, ये है ब्राणी गांव, तो नीचे है किसी दिन हाथी गांव, वहाँ पे लेके चलूँगा, और जो टेक ऑफ साइट है यहाँ पे के ऊपर उस जगह पे भी, तो वो जगह दोनों बहुत ज़्यादा ख़ास हैं वो भी। अम्मा क्या नाम है, ना क्या है, डोडी ना थूंदा, ठीक है ठीक है। थूंदी कितनी उम्र है, 60 तो ऊपर होगी, 80 80, हाँ 80 होनी थूंदी तो। सो दोस्तों ये जो जगह दिख रही है आपको ये है इस तरफ कांड कोसरी और धरेड़ वाला एरिया, और आगे अभी फोगी सा वेदर है इस टाइम पे, क्योंकि मौसम हो गया है ख़राब और सनसेट भी हो रहा है, लेकिन सनसेट तो क्या भी मतलब होने था 1 घंटे 1.5 बार, लेकिन फिलहाल दिख नहीं रहा क्योंकि बादल आ गए हैं भाई, मौसम ने ले ली है करवट, और सारे पहाड़ ढक गए हैं जो मेन पीक्स हैं यहाँ पे, और ये गंगोर जंगल, ये जंगल की बात ही हाँ जी। हाँ जी हाँ, तो वापसी में मिले हैं मुझे ये अंकल सामान लेके, एक ही चलाया रहा चाचा बुन, ये तो सामान है आलू लू लाए थे तो ना, अच्छा बुन नहीं हूं, हां मैं बुन, ठीक ठीक, ये कम से मेरे में ना आदमी है, हां बड़ी छाड़ लग गया तूने ड्रेस, क्या नाम डॉक्टर ले लेनी सो फिर भी देखा वाला काल के
कल गई थी ना। तो दोस्तों अभी ये पहुंचेंगे ऊपर, प्राणी में इनका घर है, शादी अटेंड करके आया आप ना, ठीक है। और ये जा रहे अंकल नीचे मेरे साथ, चलो ठीक है। सो दोस्तों ये जो है गांव, ये है कांड कोसरी। सो दोस्तों हो गई है शाम और जा रहा हूँ मैं घर वापस, और ये रहा संसार एरिया।